तो दोस्तों कंपनीज के रिजल्ट सीजन अब शुरू हो चुका है कल हमने बात की थी आईटी सेक्टर की चार बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए थे आज दोस्तों एच बैंक ने भी अपने रिजल्ट्स पेश किए हैं क्वार्टर थ्री के तो रिजल्ट्स ये कैसे रहे हैं क्या क्या यहां पर इंप्रूवमेंट्स इसमें आई है इन सब चीजों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो एक बार ही चलते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट इस कंपनी के इस वक्त कैसे रहे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर

लगभग आप देखेंगे टेन परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहां पर इसके इंटरेस्ट अर्न में यहां पर देखने को मिल रहा है ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ की यहाँ पर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो इसकी ग्रोथ है वो लगभग टेन परसेंट के आसपास रही है लास्ट टाइम इसके जो नेट प्रॉफिट थे वो लगभग ग्यारह हजार करोड़ के आसपास थे जो अभी बढ़ के बारह हजार सात सौ करोड़ के आसपास हो चुके हैं तो नेट प्रॉफ़िट में भी ग्रोथ है उसके साथ साथ अगर हम इंटरेस्ट अर्न में ग्रोथ देखते हैं वहाँ पर भी ग्रोथ है अदर इनकम की ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पर भी अदर इनकम में भी कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है कुछ इसके की नंबर्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमने बात की है ईयर ऑन ईयर अगर हम ईयर अगर हम नेट रेवेन्यू के देखते हैं तो एटीन पॉइंट थ्री परसेंट की ग्रोथ इसके रेवेन्यू में यहाँ पर देखने को मिली है टोटल रेवेन्यू इसका सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में यानी कि इकतीस दिसंबर दो वाला जो क्वार्टर था वहाँ पर ट्वेंटी करोड़ का था जो अभी बढ़ के करोड़ का हो गया एटीन की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और अगर हम यहां पर बात करें इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो मेन इनकम बैंक जनरेट कर रहे हैं वहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24 परसेंट की ग्रोथ हुई है 22,000 करोड़ के आसपास इसके यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम रही है जो कि

का बैंक का, का काम क्या होता है कि वो लोन देता है और और लोन लेता है तो जो बैंक ने लोन लिए हैं मान लीजिए बैंक ने सात परसेंट के ब्याज पे लोन लिया था परसेंट पे लोन लिया था और उसने आगे ग्यारह परसेंट पे पे किया है तो ये जो गैप है ये फोर परसेंट के आसपास आ जाता है तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और जितना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बैंक को मार्जिन में यहाँ पर होती है तो ये एक बहुत की नंबर होता है जब भी आप बैंक की बात करते हैं उसके अलावा फीस एंड कमीशन में भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि कासा रेशो इसकी यहाँ पर क्या रही है तो अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं और इसकी कासा रेशो और अदर डिटेल्स यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो टोटल यहाँ पर इसके बैलेंस शीट है उसके साइज में ग्रोथ हुई है टोटल डिपॉजिट्स में यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्वेंटी के आसपास की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ यहाँ पर हुई है का मतलब क्या हो गया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और ये सबसे अच्छे डिपॉजिट एक बैंक के एंगल से माने जाते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक को कोई भी लोन नहीं दे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता और सेविंग अकाउंट में दो तीन परसेंट का ही इंटरेस्ट देना होता है तो ये बहुत ही कम इंटरेस्ट वाला एक तरीके से बैंक के पास डिपॉजिट आ जाता है और ये बहुत फायदेमंद बैंक के लिए रहता है तो कासा डिपॉजिट में भी 12% की ग्रोथ बैंक में हुई है जिसमें आप देखेंगे कि जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है एसडिफसी बैंक में वो 5 लाख ,00 करोड़ के आसपास रखा हुआ है करंट अकाउंट में देखेंगे तो 2 लाख ,00 करोड़ के आसपास रखा हुआ है टाइम डिपॉजिट्स में 27 परसेंट की ग्रोथ हुई है टाइम डिपॉजिट्स का मतलब आप फिक्स डिपॉजिट से भी समझ सकते हैं यहाँ पर 27 परसेंट की ग्रोथ हुई है नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड करोड़ यहाँ पर बैंक के पास रखा है तो वो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है उसका इंपैक्ट बैंक के डिपॉजिट्स पे आ रहा है कि पॉजिटिवली एक अच्छी ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट्स में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है कासा डिपॉजिट यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है उसमें से कितना परसेंट पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में से आता है तो वो फोर्टी फोर परसेंट के आसपास है तो ये ओवरऑल काफी अच्छी रेशो रेशो है कासा रेशो फोर्टी फोर परसेंट की यानी कि फोर्टी परसेंट पैसा बैंक को लगभग नील इंटरेस्ट रेट पे यहां पर मिल रहा है ये रेशो थोड़ी सी बैंक की लास्ट क्वार्टर से खराब हुई है पहले फोर पॉइंट फोर्टी फाइव पॉइंट फोर परसेंट के आसपास था जो अभी फोर्टी फोर परसेंट के आसपास है ओवरऑल अच्छी ग्रोथ यहां पर भी है और एक अच्छी कासा डिपॉजिट की जो रेशो है बैंक अभी भी मेंटेन कर रहा है एडवांसेस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बैंक ने कितने लोन्स दिए हुए हैं यहां पर भी 19 परसेंट की ग्रोथ हुई है तो इतने बड़े साइज का बैंक इतने बड़े ह्यूज डिपॉजिट्स का बैंक 19 परसेंट की अगर ग्रोथ कर पा रहा है ईयर ऑन ईयर तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर आप इसको मान सकते हैं एक इतना बड़ा बैंक अगर बीस परसेंट रेट से ईयर ऑन ईयर अभी भी ग्रो हो रहा है लास्ट क्वार्टर में भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे उस टाइम पे भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ट्वेंटी के आसपास की ही वहां पर देख

एनपीए चल रहे हैं लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर यानी कि 30 सितंबर 2022 में भी ये 1.23 परसेंट के आसपास थे और वन ऑफ दी लोएस्ट एनपीए हैं ये जो एच बैंक है और ये ही सबसे अच्छी क्वालिटी बैंक की है कि एक तो इतनी ज्यादा इसके पास पैसा है इतना ज्यादा लोन्स और डिपॉजिट दे रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रही है और इनके जो बैड क्वालिटी के एसेट्स हैं उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है वहीं अगर हम नेट एनपीएस की बात करते हैं तो नेट एनपीएस यहां पर सिर्फ पॉइंट थ्री थ्री परसेंट के ही है तो बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है वो भी बैंक इम यहाँ पर मेंटेन कर पा रहा है ओवरऑल दोस्तों अगर हम इसके शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि शेयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पिछले कुछ टाइम से नहीं हुई है तीन सालों की अगर हम शेयर की ग्रोथ देखते हैं तो सिर्फ एट की ग्रोथ यहाँ पर हुई है ओवरऑल अभी भी बहुत अच्छे बैंक है ये अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर हो रही है सेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है हालांकि अभी उसका शेयर के प्राइस पे वो असर नहीं आ रहा है तो हमने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियोस में बात की थी फोर्टीन हंड्रेड के लेवल्स पे हमने इस बैंक में इन्वेस्ट भी किया था उस टाइम पे जब इसमें यहाँ पर इन लेवल्स पे हमने यहाँ पर 1450 के लेवल्स पे उस टाइम पे बात करके इन्वेस्ट भी किया था तो मुझे लगता है एक अच्छा बैंक है अच्छी ग्रोथ हो रही है सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि ग्रोथ अभी भी हो रही है ईयर ऑन ईयर लेवल पर भी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी ग्रोथ है और एक बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इस बैंक में देखने को मिल रही है अब इसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस है उसमें कब तक आएगा यह देखने की बात है वैल्यू वाइज अभी भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है ट्वेंटी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर बैंक चल रहा है तो ओवरऑल एक काफी अच्छा बैंक है और वो चीज ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी साबित करते हुए आ रहा है लोग बात करते हैं कि कौन सा बैंक नेक्स्ट एच बैंक होने वाला है मुझे लगता है कि अभी भी एच बैंक यहाँ पर बहुत छोटे बैंकों से भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाते हुए आ रहा है लेकिन दोस्तों याद रखिए ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है मैं खुद भी एच बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी बायस लगे उस चीज का ध्यान रखिएगा आप और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का ध्यान रखिएगा और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लिए और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने जाकर जरूर फॉलो करिए मेरी तरफ से बस दोस्तों इतना ही धन्यवाद